इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों, ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने में कितना डीजल खाता है और रेलवे ट्रेन में कितने गियर होते हैं, ट्रेन में स्टीयरिंग होता है कि नहीं होता है, ट्रेन जो है कितने का एवरेज देती है, ट्रेन की कीमत क्या होती है, मालगाड़ी ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं, भारत में मालगाड़ी कितनी है दोस्तों, ये सब जो है जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है, ट्रेन का इंजन स्टार्ट होने में कितना डीजल खाता है। जी दोस्तों, देखिए एक अनुमान के तहत जो है दोस्तों, एक बार इंजन को स्टार्ट करने में जो है 25 लीटर तेल की खपत होती है, जबकि ट्रेन यदि 1 किलोमीटर चले तो उसमें करीबन जो है 15 लीटर तेल लगता है दोस्तों। ऐसे में इंजन को जो है बंद करना जो है बेहतर विकल्प नहीं दोस्तों। ऐसे ही कई वाक्य से पता चलता है कि ट्रेन का इंजन 1 किलोमीटर चलने में जो है दोस्तों 15 से 20 लीटर खा जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, रेलवे ट्रेन में कितने गियर होते हैं। जी दोस्तों, वही किसी एक्सप्रेस में लगे डीजल तेल की बात करें तो वह कम से कम जगह पर रुकते हैं दोस्तों। जैसे लिहाजा एक्सप्रेस ट्रेन में जो है 1 किलोमीटर चलने पर जो है करीबन जो है 4.5 लीटर जो है डीजल की खपत होती है दोस्तों। अब बात ट्रेन के गियर की करें तो भारतीय मतलब रेल के हर इंजन में जो है दोस्तों 32 गियर होते हैं, 32 गियर दोस्तों, जिसे ड्राइवर जो है स्पीड के अनुसार जो है बदलता रहता है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों, ट्रेन में स्टीयरिंग होता है कि नहीं होता। जी दोस्तों, देखिए ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ट्रेन जो है हमेशा पटरी के अनुसार ही जो है चलती और मुड़ती रहती है दोस्तों। चौथा, जी दोस्तों, ट्रेन कितने का एवरेज देती है। देखिए दोस्तों, अगर एक गाड़ी 24 डिब्बे की है तो लगभग जो है 6 लीटर डीजल में जो है 1 किलोमीटर का एवरेज आता है दोस्तों। इसके अलावा अगर 12 डिब्बों की पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें क्या 1 किलोमीटर का एवरेज जो है 6 लीटर डीजल में ही आ जाएगा, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी जो है दोस्तों हर स्टेशन पर रुकती जाती है, इस वजह से जो है इसमें ब्रेक लगाने और स्पीड बढ़ाने में ज़्यादा डीजल खर्चा हो जाता है। पाँचवा क्या है, ट्रेन की कीमत कितनी होती है। जी दोस्तों, देखिए कोच को बनाने के लिए लगभग जो है 2 करोड़ आवश्यकता होती है दोस्तों। तो एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 24 डिब्बों की कीमत जो है 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से तो 48 करोड़ होती है दोस्तों। वही इसमें इंजन की कीमत की बात करें तो दोस्तों इंजन जो है 20 करोड़ की होती है, अगर सब जोड़ दिया जाए दोस्तों तो एक्सप्रेस की कीमत जो है 68 करोड़ हो जाती है दोस्तों। पांचवा क्या है दोस्तों, मालगाड़ी ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं। देखिए दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में कितने डिब्बे होते हैं। पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिब्बे और मालगाड़ी में लोडेड है तो 60, अगर खाली है तो 120 होता है दोस्तों। छठवा क्या है दोस्तों, भारत में मालगाड़ी कितनी है। जी दोस्तों, कुछ रिपोर्ट की माने तो भारत में जो है कुल पैसेंजर जो है 12,617 ट्रेन है, इसके अलावा इंडिया में टोटल जो है 7,349 मालगाड़ी है, क्योंकि देश में अब नए ट्रेन बनाने का काम जो है परस्पर चल रहा है दोस्तों। अगर ये वीडियो देख के दोस्तों आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों।